क्या बात है बेटा? वैसे देखा जाए तो जुनेद और कोमल के रिश्ते को साबित करना बहुत आसान है। वो कैसे? वो उस दिन हमारे घर आकर अपनी और जुनेद की तस्वीरें दिखा रही थी, उससे साबित कर सकते हैं हम लोग। हाँ यिल्दिज, मेरे तो जहन से बिल्कुल ही निकल गया था। अगर उसका फोन मेरे हाथ लग जाए तो काम बन जाएगा। ठीक है यिल्दिज। क्या तुम जानती हो जुनेद ने कोर्ट में क्या कहा है? मुझे नहीं मालूम। उसने तुमसे कोई भी ताल्लुक होने का इनकार किया है, और जबकि तुमने टीवी चैनल पर कोई भी पछतावा न होने का इजहार किया था। उसने दुनिया के सामने कोई इज्जत नहीं दी तुम्हें। बस करें बाबा। ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन क्या यह जरूरी है कि आप एक ही बात बार बार दोहरा कर मुझे तकलीफ दें? जब मैं समझ चुकी हूँ तो फिर क्या जरूरत है? मुझे कोमल का फोन चाहिए। कोमल का फोन? उसका फोन नंबर ना? नंबर का क्या करना है, मुझे उसका फोन चाहिए। तुम क्या कह रहे हो, होश में तो हो ना? देखो, हमें यिल्दिज के केस के सिलसिले में उसका फोन चाहिए होगा, सब कुछ उसके अंदर है, सिर्फ कुछ देर के लिए। मगर कैसे? तुम चाहते हो कि मैं उसका फोन चुराऊं? मैंने तुम्हें चोरी करने को कब कहा है? बस इतना कह रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए उससे फोन ले लो। दुआन, तुम्हें याद होगा कि तुमने अपने असूलों के बारे में मुझे बताया था। तुमने मुझसे ये कहा था कि तुम जैसी औरत की जरूरत मुझे अपने कारोबार में तो है, लेकिन अपनी साथी जिंदगी में नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो मेरे भी कुछ उसूल हैं, पता है तुम्हें? जिस किसी का भी मेरी जाती जिंदगी से ताल्लुक नहीं होता, मैं उससे फासला रखती हूँ। कल रात यिल्दिज के साथ था। सब ठीक हो गया क्या? हालत जान उदास हो रहा था, बस फिर यिल्दिज ने कहा कि तुम आज रात यहीं रुक जाओ। खुशी हुई सुन के, खुश हूँ मैं बहुत। ये मौका कुछ खास नहीं था, लेकिन मैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। वफा है शजरे मंग।